हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके स्टूडेंट्स, आर टुडेज कॉन्सेप्ट इज मनी, हाउ वी कैलकुलेट मनी। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट नाउ। ओके, सो हेयर आर सम सिंबल्स ऑफ मनी। द मनी इज डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज पैसे एंड द रुपीज। यस, पैसे और रुपीज में मनी होती है, राइट? नाउ पैसे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? जब कोई पैसा है तो कैसे पता चलेगा दैट दिस इज पैसे? विद पी, उसके आगे क्या लिखा होगा? पी। फॉर एग्जाम्पल 25 पैसे, 25 पी, 50 पी। सो फ्रॉम पी सिंबल वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज पी। एंड विद आर, this kind of symbol represent rupees. okay, now 225 paise coins, jab hamare paas 25 ki two coins hote hain to kitne paise bante? 50 paisa. okay, so 25 plus 25 50 hota hai, to 25 aur 25 two coins honge 25 ke, to it turns into 50 paisa coins. second, 425 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 1 रुपी कॉइन। यस, 425 पैसे कॉइन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 1 रुपी कॉइन में। 250 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 1 रुपी कॉइन। 50 प्लस 50 कितना होता है? 100 पैसे बनेंगे, और 100 पैसे में 1 रुपी होता है, राइट? 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए में कितने होते हैं पैसे? 100 पैसे। ओके, नाउ हियर आर सम कॉइन्स वी यूज इन आर डेली बेसिस। ओके, दिस इज द 50 पैसा कॉइन। ये 50 पैसा कॉइन है, राइट? दिस इज 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन में 100 पैसे हैं, राइट? दिस इज 2 रुपी कॉइन। दीज आर नॉट पैसे, दीज आर रुपीज। दिस इज 1 रुपी कॉइन, this is 2 rupee coin, this is 5 rupee coin, and this is 10 rupee coin, and this is 50 paisa coin. okay, this is paisa, and rest of all these are rupees. okay, ab money mein coins bhi hote hain, notes bhi hote hain, right? ab coins to humne pad liye, kaun kaun se coins hote hain? so these all are the notes. yes, this is a 10 rupee note, 20 rupee note, 2000, 500 rupee note, 200, 100 and 50 rupee note. these all are the notes. aur notes pe kin ki picture hai? Mahatma Gandhi. yes, the father of the nation. so if the question comes that whose picture is on the notes, that is Mahatma Gandhi, father of the nation. okay, so I hope you understand this very well. so here is some activity related to this concept. so let's get started now. now how many rupee 5 note make 50 rupees? 5 के कितने नोट्स, 5 रुपीस के कितने नोट्स हो कि 50 रुपीस बन जाए? सो कैसे करेंगे? 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50. तो कितने नोट होने चाहिए हमारे पास 5 के? दैट इज 10. सो द आंसर इज 10. ओके, सो आई विल राइट हियर 10. 1 0 10. सेकेंड, हाउ मैनी रुपी 10 नोट मेक्स द रुपीज 100? 10 के कितने नोट्स होने चाहिए कि 100 हो जाए? 10 10 100 होता है, राइट? सो 10 के 10 नोट्स होने चाहिए. नेक्स्ट, थर्ड इज हाउ मैनी रुपी 20 नोट मेक्स रुपीज 60? अब 20 के कितने नोट होने चाहिए? 3 नोट्स. 3 नोट्स होंगे तभी 60 बनेगा. 2 3 6 होता है, तो 20 के 3 नोट्स होंगे तो इट विल मेक 60. सो 3 नोट्स. नेक्स्ट,
हाउ मैनी रुपीज 50 नोट मेक रुपीज 100। अब 50 के कितने नोट होने चाहिए? 50 को 50 से प्लस करेंगे तो 100 होगा। 50 नोट, 250 नोट मेक्स 100 रुपीज, राइट? सो द आंसर इज 2। 2 नोट होने चाहिए 50 के ताकि हमारे पास 100 रुपीज हो, राइट? ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैसे, कॉइन्स। पैसे के कॉइन्स होते हैं, राइट? ओके, सो द फर्स्ट वन इज डैश 25 पैसे मेक्स अ रूपी। अब 25 के कितने पैसे हो कि 1 रूपी बन जाए? 1 रूपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब 25 के कितने कॉइन्स हो कि 100 पैसे बन जाए? सो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 कितने हो? 1, 2, 3, 4। 4 कॉइन्स होंगे हमारे पास 25 पैसे के, तो हमारे पास 1 रुपी बनेगा, राइट? ये कितना बन गया? 100 बन गया। 100 पैसे में 1 रुपी होता है। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, सो हमें कितने कॉइन्स चाहिए 25 के कि 1 रुपी बने? दैट इज द 4 कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट, डैश 50 पैसे कॉइन्स मेक 4 रुपीज। अब 50 के हमें कितने कॉइन्स चाहिए कि 4 रुपीज बन जाए? 1 रुपी के लिए कितने कॉइन्स चाहिए? 2 चाहिए, राइट? तो 4 रुपीज के लिए कितने चाहिए? दैट इज 2 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 50 1 रुपी बना, प्लस 50 प्लस 50 2 रुपीज, प्लस 50 प्लस 50 3 रुपीज, प्लस 50 प्लस 50 4 रुपीज। तो कितना हुआ? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो टोटल कितने बने हमारे पास? 8, राइट? 8। नेक्स्ट, डैश 50 पैसे कॉइन्स मेक्स 10 रुपीज। अब 10 कैसे बनेंगे? उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो। सो दीज टू क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट ऑफ योर ओन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। Still, if you have any doubts, then please do comment in the comment box. And if you like my video, then please subscribe to my channel. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you.